आपने इस निकाह को कबूल करवाए। पेटी माशाल्लाह, यहाँ पर देख लीजिए माशाल्लाह। सलाम करो, क्या नाम आपका? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अभी हम जा रहे हैं एक शादी में बल्लारी की तरफ। आप लोग हमारे साथ बने रहें, इस व्लॉग में आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। अभी हम लोग आ चुके हैं बल्लारी की मस्जिद में, आप देख सकते हैं माशाल्लाह यही वो मस्जिद है, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। और हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उज़ैर भाई जो है ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नहीं दिख रही जी, काले काले दिख रही हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो यहाँ पर आरिफ भाई मिल गए माशाल्लाह, जो इससे पहले हम लोग करनौल में आरिफ भाई की शादी में गए थे। तो अभी हम बल्लारी के अंदर हैं, अभी टाइम हो रहा है 7:54 और हम लोग जो आए हुए हैं वो मिलाद कप बोल के यहाँ पर क्रिकेट खिलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये ईदगाह है, ईदगाह के अंदर माशाल्लाह बहुत बड़ा ग्राउंड नज़र आ रहा है ये। और आपको मैं बताता हूँ, मेरे पीछे से आप देख सकते हैं यहाँ पर मिलाद कप का ये चल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह अभी जो है प्रैक्टिस शुरू है क्रिकेट की। और ये देख सकते हैं यहाँ पर कैमरा वगैरह जो है लग चुका है, शूटिंग यहीं से किया जाता है। और यहाँ पर भी जो है खोपचा है, यहाँ से भी शूटिंग करेंगे। और ये देख सकते हैं आप मिलाद कप 2024 यहाँ पर खिलाया जाता है। और यहाँ पर बाकायदा एक उलमा की टीम भी होती है। और यहाँ पर पूरे मुस्लिम बच्चे मुजाहरा करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और उन्हें जो है कप वगैरह दिया जाता है माशाल्लाह। और यहाँ पर हमारी टीम खड़ी हुई है, पूरे शेख यहाँ पर हैं। और यहाँ पर उज़ैर भाई की अलग से शूटिंग चल रही है। हम लोग जो है भूख की शिद्दत को बर्दाश्त न करते हुए ग्राउंड से जो है रवाना हो रहे हैं नाश्ते की तरफ। हम मत बोलिए, मैं बोलो। अच्छा, मैं सिर्फ आपके साथ इसलिए आ रहा हूँ ताकि आप अकेले ना हो जाएं। हाय हाय। बेंगलुरु में नाश्ता करे नहीं हमें अब तक। लास्ट टाइम जो नाश्ता करे थे इनकी शादी में करे थे हमें। तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, हमारे उज़ैर भी अभी हमाम में हैं। तो चलिए निके खानी की तरफ चलते हैं। अभी कुछ देर में निकाह होने वाला है, अभी जो है कुछ बयानात हो रहे हैं। तो अभी एकदम एग्जैक्ट 12:30 बजे निकाह शुरू हो जाएगा। तो चलिए आप लोगों को बताता हूँ, यही मस्जिद है माशाल्लाह। चलिए अंदर आप लोगों को लेकर चलता हूँ। सुमैया बिन्त सैयद दाऊद साहब से किया है कि आपने इस निकाह को कबूल करवाए। माशाल्लाह हमारे साथी जो है ज़ुबैर साहब हमें मिल गए अचानक से, बहुत खुशी हुई देखकर। बहुत सालों के बाद, कितने साल हो गए तकरीबन? 4 साल तकरीबन 4 साल हो गए थे माशाल्लाह। अचानक जो मुझे नज़र आए तो मैं थोड़ी देर के लिए हक्का बक्का रह गया कि ज़ुबैर साहब जो अचानक से कैसे आ गए। और उनकी जो है छोटी सी प्यारी सी बेटी माशाल्लाह, यहाँ पर देख लीजिए माशाल्लाह। सलाम करो, क्या नाम आपका? रुफैदा माशाल्लाह। तो ये हमारे ज़ुबैर भाई की जो है बेटी है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नमाज वगैरह से फारिग हो गए, दावत यहाँ पर चल रही है। लेकिन अभी हम लोग दावत नहीं खा रहे हैं, दावत के लिए हम लोग फंक्शन हॉल जाने वाले हैं। और यहाँ पर माशाल्लाह उमरियों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर जो है शिद्दत से इंतज़ार कर रही है दुल्हे साहब को मिलने के लिए।
जो है दुल्हे साहब से तो मिलिए, लेकिन दावत से मिलने के लिए बेताब है, खासकर हमारे आफरीद आफरीद भाई, ये आफरीद जी। कौन कौन शादियाँ के लिए की जल्दी जल्दी शादियाँ कर लो, शादियाँ दावत दियो, हम सब जने आ जाते। तो आरिफ भाई से भी पैगाम आ गया है कि जल्दी जल्दी आप लोग शादी करें और हमें शादी की जो है दावत दें, हम इसीलिए बैठे हुए हैं और अक्सर जो हमारे ब्लॉग शादी के ही आ रहे हैं। तो प्लान फिर से कैंसिल हो गया और अभी हम लोग जो है फंक्शन हॉल की तरफ निकल चुके हैं और आफरीद साहब जो है इनको जगह नहीं मिली बोल के हमारे गोद में बैठे हुए हैं और यहाँ पर हमारे तमाम साथी हैं, देख सकते हैं आरिफ भाई और यहाँ पर हमारे मोहतरम उस्मान साहब जो है गाड़ी चला कर लेकर जा रहे हैं हम लोगों को वलीमा खिलाने के लिए, सुभान अल्लाह। यहाँ देखिए भूख के मारे सबकी हालत क्या हो गई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नूर उमरी साहब की जो है शादी थी, तमाम साथियों की तरफ से मुबारकबादियां जो इन्हें पेश करते हैं। बारकल्लाहु लकुमा वबारक अलैकुमा वजमा बैनकुमा फी खैर, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे भाई की शादी को जो है खुशियों से भर दे, बाबरकत बना दे। तो इस मौके पर हमारे उज़ैर साहब क्या बोलेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये हमारे बहुत ही ख़ास दोस्त थे, रूम मेट भी थे, क्लास मेट भी थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक ही रूम में जो है ना काफ़ी साल गुजारे और बचपन से हम लोग जो है ना जब से जामिया में पढ़े तब से हम लोग एक साथ हम लोगों ने तालीम हासिल की और हमेशा से हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा मिलकर रहते थे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है इनके जोड़े में अल्लाह ताला बरकत अता करे, अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए। उनकी खुशी में शरीक होने के लिए हम आए हैं, हम बस यही दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी ज़िंदगी में उन्हें खुशियाँ नसीब फरमाएँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें एक नेक सालेह औलाद से नवाजे, आमीन। अल्लाह ताला आपके इस दोनों जोड़े को खुश व खुर्रम रखे। जितने भी हजरात देख रहे हैं तो इस दुल्हे राजा साहब को जो है आप दुआ दीजिए शादी की, ढेर सारी जो है आप लोग मुबारकबादियाँ दीजिए। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق ما شاء الله آپ تمام کو دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ ایک وقت تھا جس طرح صف بنا کر سامنے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہم بھی کبھی اپنے استادوں کے سامنے اسی طرح جو ہے بیٹھا کرتے تھے ما شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا। तोहफा देना चाह रहा हूँ। अब्दुल रहीम आप इधर आइए, उज़ैर साहब के हाथों से जो है आप तोहफा कबूल कीजिए। माशाल्लाह बारकल्ला। तो अभी हम लोग मदरसे से टहलते हुए बल्लारी के ग्राउंड में पहुंच गए हैं, जहां पर स्टेडियम में हम लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये लोग यहाँ पर वॉलीबॉल कम खेल रहे हैं, लड़ाई ज्यादा कर रहे हैं, बातें ज्यादा हो रही हैं। दारुल इल्म का मुख्तसर तारुफ मकासिद क्या है इसको मैं बता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले 4 या 5 सालों से इसमें हम दारुल इल्म के नाम से एक मकतब की शक्ल दिए हैं। यहाँ हफ्तावारी प्रोग्राम होता है, ख्वातीन यहाँ आते हैं। अल्लाह क्या है, अल्लाह के रसूल क्या है, उनको मालूम नहीं था। अब अल्हम्दुलिल्लाह खुद ब खुद मस्जिद जाते हैं जुमा के दिन। इस मकतब के ज़रिए क्या है, लोगों में तब्दीलियाँ आएँ, लोगों में क्या है शिर्क व बिदात को हम क्या है ख़त्म करें, बस एक मकसद है। इसमें जो तलबा पढ़ रहे हैं तबलीगी जमात के ज़्यादा तलबा हैं और अहनाफ के ज़्यादा हैं,
और फिर दूसरे मसलक के कादरिया ऐसे जो है जो हरी पगड़ी वाले ऐसे हैं आते हैं अपने अपने ख्याल जाहिर करते हैं, हम खामोश रहते हैं। कम वक्त में 3 महीने में हमारा मकसद है नूरानी कायदा को ख़त्म करना, दुआओं की हिस्नुल मुस्लिम की किताब को ख़त्म करना। 3 महीने के अंदर बच्चे को क्या है कुरान हाथ में दे देंगे अहादीस के साथ, अकीदे के साथ, दुआओं के साथ, और डेली बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ कुछ ना कुछ खिलाया पिलाया जाता है। मैं भी ऐसे ही समझ रहा था कि आम मकतब है, बच्चे आएंगे पढ़ेंगे चले जाएंगे, लेकिन जब इतनी सारी चीज़ें जब मैंने सुना तो मैं हैरत में पड़ गया कि अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है, अल्लाह ने आपके ज़रिए से इतना बड़ा काम ले रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये सारी चीज़ें सुनकर सही मानों में अगर मैं बताऊँ, इसका रिव्यू दूँ जो कुछ मैंने शेख के मुंह से सुना है, तो माशाल्लाह ये बात बड़े फ़ख्र से हम लोग कह सकते हैं और बड़े फ़ख्र की बात भी है कि इतने ये छोटी सी जगह पर जो है इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं माशाल्लाह। बाद बाद में हम लोग एक साथ रहते हैं मैं और उज़ैर तो डिस्कस कर लेते हैं। इसी तरह जो हम लोग जा रहे थे कहीं पर तो उज़ैर भाई जो हमारे बता रहे थे वही कि देखिए जहाँ पर मसाजिद कायम हो जाते हैं और ये आप लोग भी देखे होंगे महसूस किए होंगे, जहाँ पर बुत परस्ती बहुत आम है, बहुत सारी बुराइयाँ होती हैं, शिर्क व बिदात होते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर मसाजिद अगर कायम हो जाए, मस्जिद अगर वहाँ पर कायम हो जाए तो ख़ुद ब खुद आप देखते होंगे कि वहाँ पर से लोग पता नहीं कैसे जो है उस मस्जिद की तरफ आ जाते हैं और जैसी वो मस्जिद होती है वह इसी तरह मुसल्ली बनते हुए चले जाते हैं, होता है या नहीं है। तो इसी तरह जो मकतब का जो है यहाँ पर इनकाद हुआ। अब यहाँ पर देखिए आप ही सोच कर बताइए कि कैसे कैसे तलबा पढ़ने आ रहे हैं, जैसा कि शेख ने बताया देवबंदी के भी बच्चे आ रहे हैं, बरेलवी के भी आ रहे हैं, तबलीगी जमात के भी आ रहे हैं, अलबत्ता सब के बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। जब यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर जो इल्म की बुनियाद जो है रखा गया है, तो जाहिर सी बात है अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमें उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह जिस मकसद के तहत इसकी बुनियाद रखी गई है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें कन्वर्ट कर ही देगा इंशाल्लाह। तो मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ जो आप लोग काम कर रहे हैं, इसको नजर बद से अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे पहले महफूज करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन जितना हो सके हमारे से दीन का काम लेता रहे। आमीन व मा अलैना इल्ला अल बलाग। शुक्रन जज़ाकल्लाह। इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए अली, तुम्हारी तरफ से तुम्हारी जानिब से अगर एक आदमी भी राह रास्त पर आ जाता है, हिदायत पा जाता है, तो ये तुम्हारे लिए अरब की सुर्ख ऊंट से भी ज्यादा बेहतर है। तो माशाल्लाह जो आफरीद साहब रूम में आकर तोहफा की ओपनिंग कर रहे हैं, खोल रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है ना।